तो हम लोग लास्ट क्लास में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर स्टडी किए, है ना, जिसमें उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखे। वो ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर था हमारा, जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ था एक्चुअली। अब हम लोग बात कर रहे हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर यानी कि ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, सो सी एंड लिसन वेरी केयरफुल्ली। तो होता क्या है, जब हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। आपको जहाँ सोर्स कनेक्टेड है वो प्राइमरी और जहाँ लोड कनेक्टेड है वो सेकेंडरी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑलवेज प्राइमरी को ही जाएगा। तो जैसे आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स प्राइमरी को कनेक्ट किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर में एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने के बाद जो है सबसे पहले एट फर्स्ट क्या होगा, एमएमएफ सेटअप होगा। एमएमएफ इक्वल टू एन आई, यहाँ पे एन वन है, ये आई वन है, एन वन आई वन। उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स सेटअप होगा, है ना। तो यानी कि जब हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है अल्टरनेटिंग, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा, जाहिर सी बात है। तो सपोज मान लेते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो फाइ इक्वल टू फाइ एम साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन वन मान लिया। ओके, अगर इसको आप जो है पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फाइ एंगल 0 डिग्री, जहाँ पे ये फाइ जो है इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और एंगल 0 डिग्री यानी कि हम लोग इसको रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस हम लोग जिसको भी लिखते हैं उसका एंगल हम लोग 0 डिग्री लिखते हैं, दिस इज अ फेजर क्वांटिटी, है ना। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन क्या करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन ये कहता है व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन देयर मस्ट बी ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, ओके, ईएमएफ इंड्यूस जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव आई डी टी। एन को बाहर निकाल लिए, क्यों, क्योंकि एन हमारा कांस्टेंट। ऑफ कोर्स हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानते हैं, रेट ऑफ फ्लक्स लिंकिंग, है ना, डी लैम्डा बाई डी टी। तो लैम्डा को हम लोग लिखते हैं एन फाइव, तो एन हमारा कांस्टेंट है, तो एन को हम लोग बाहर निकाल दिए, हम लोग लिख सकते हैं एन डी फाइव आई डी टी। ओके, अब सोचो हमारा फाइ जो है यहाँ पे दिया हुआ है माइनस एन फाइ इक्वल टू फाइ एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पे फाइ एम क्या है, हमारा फाइ एम हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है। ओके, तो फाइ एम मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। अब सोचो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो माइनस एन फाइ एम कॉन्स्टेंट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा कॉस ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं, टेल में लिख सकते हैं, है ना। अब इसको माइनस एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, है ना। अगर इस माइनस को हम लोग अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन फाइ एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्लियर, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन टू हो गया, इक्वेशन टू। ये इक्वेशन टू क्या बता रहा है, अगर साइन आपको याद होगा मैंने आपको थर्ड समय बताया है ना, ये रेफरेंस है हमारा साइन 0 डिग्री लिखे, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू मॉड ऑफ ई इन एंगल माइनस पाई बाई टू। ये क्या बता रहा है, मतलब ये फाइ से हमेशा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा माइनस, माइनस मतलब हट लैगिंग, यानी कि पाई बाय टू से वो लैग करेगा सीधा वीडियो। ओके, ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, जिसमें साइनसॉइडल क्वांटिटी बताया हुआ हूँ। ओके,
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो है एन फाइव एम ओमेगा, ओके, इसको हम लिखते क्या है, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आप इसको भी इक्वेशन टू बना सकते हैं, जहां पे ई एम क्या है, ई एम है मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ई एम एफ। ओके, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ई एम एफ है तो जिसका वैल्यू क्या है भाई, ओके, उसका वैल्यू हो गया ई एम इक्वल टू एन फाइ एम ओमेगा, क्लियर, एन फाइ एम ओमेगा, दिस वन, ये मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस्ड हो गया है ना। तो यहाँ ये आप मैक्सिमम वैल्यू ये याद रखेंगे कि मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस्ड कितना हुआ है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई थी, है ना। नाउ आप सोचो, हम लोग जानते क्या है, कोई भी साइनोसॉइडल वेव हो हमारा, कोई भी साइनोसॉइडल वेव के लिए, ओके, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम बाई रूट टू, है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, नहीं, तो आरएमएस इक्वल टू मैक्सिमम बाई रूट टू, तो ई इक्वल टू ई एम बाई रूट टू, जहां पे ई जो है वो हमारा आरएमएस वैल्यू में है, ओके, तो ई एम बाई रूट टू ई एम एन फाई एम ओमेगा बाई रूट टू। ओके, अब हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ बाई रूट टू, यानी कि ये ई जो हो गया आपका रूट टू कैंसिल, रूट टू पाई एन एफ फाई एम। जब रूट टू और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 4.44 एन एफ फाइव एम, क्लियर। यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे ई जो है ई एम एफ इंड्यूस्ड है, 4.44 नंबर है, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, और फाइव एम क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द ट्रांसफार्मर। अब सोचो, यहाँ पे हम लोग एक टर्म हम कंक्लूजन निकालते हैं, जस्ट सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ई एम एफ इंड्यूस्ड बाई नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू 4.44 एफ फाइव एम, क्लियर, एफ फाइव एम, तो एफ फ्रीक्वेंसी है हमारा, ये देखो ई एम एफ इंड्यूस जो बोल रहा है वो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो हम जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग सप्लाई किए, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये बोल रहा है क्या, ई एम एफ पर टर्न फॉर एनी वाइंडिंग, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ऑलवेज याद रखेंगे, इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर ई एम एफ पर यूनिट टर्न इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि फाइव एम मैक्सिमम फ्लक्स वो कॉन्स्टेंट, एफ फ्रीक्वेंसी वो कॉन्स्टेंट, 4.44 ये कॉन्स्टेंट। आपने आइडियल में भी देखा था इसको, ओके, जब ये कॉन्स्टेंट आ गया, यानी कि ई वन बाई एन वन इक्वल टू ई टू बाई एन टू लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है हमारा, आपने ये देखा था ई टू बाई ई वन इक्वल टू एन टू बाई एन वन इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, गॉट इट। तो ये हमारा एक कहानी हुआ ई एम एफ इक्वेशन का। नाउ अब सोचो, यहाँ पे अगर हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग के लिए निकालना चाहें, तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए क्या हो गया,
प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ईएमएफ इवन इवन यानी कि आरएमएफ वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, तो ये तो अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्न्स में क्या होगा, एन वन यानी कि 4.44 एन वन एफ फाइव एम, ये प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, किस वैल्यू में, आरएमएस वैल्यू में। ओके, उसी तरह सिमिलरली E2 इक्वल टू 4.44 N2 F 5M। ओके, ये क्या बता रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, ना ये इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है, देखो जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, EMF induced in the secondary winding have the same frequency। अब याद करो ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन, ट्रांसफार्मर इज एन एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ओके, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिक सर्किट via magnetic field without change in frequency, यानी कि frequency कैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, frequency किसी तरह का changes नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी EMF induced जो है वो भी आपका जो है ND phi by dt phi, ये phi के कारण frequency change नहीं हो रहा है, क्योंकि यही flux है जिसके कारण self induced EMF हो रहा है और यही flux है जिसके चलते mutual induced EMF हो रहा है। ओके, तो यही फ्लक्स है जिसके पास फ्रीक्वेंसी हमारा एफ है और उसी फ्रीक्वेंसी के कारण जो है दोनों में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी कि अभी तक जो कंक्लूजन आया हमारा एक ट्रांसफार्मर में, जो सब बताते नहीं है जल्दी, वोल्टेज चेंज होता है यानी कि आप और डाउन हो सकता है, अगर वोल्टेज अप हो रहा है तो करेंट डाउन होगा, क्यों, क्योंकि पावर जो होता है ट्रांसफार्मर में वो नियर बाई कॉन्स्टेंट होता है, जब पावर कॉन्स्टेंट है यानी कि इनपुट पावर आउटपुट पावर नियर अबाउट कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि लॉसेस हमारा कम से कम होता है, जब पावर हमारा कॉन्स्टेंट है तो पावर इंटू टाइम यानी कि एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगा, लमसम एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होता है। ओके, यानी कि देयर इज नो एनी चेंज इन पावर, नो एनी चेंज इन एनर्जी, ऑल्सो नो एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ओनली चेंज वोल्टेज एज वेल एज करंट। अगर वोल्टेज अप हो रहा है तो करंट क्या होगा, डाउन होगा, बिकॉज इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर है ना, लमसम। ओके, अगर ये अप हुआ तो ये डाउन होगा, ओके अगर ये डाउन हुआ तो ये अप होना जरूरी है, तभी इक्वेशन हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस आपका पता चल गया, E इक्वल टू 4.44 एन एफ फाइव एम, याद रखेंगे फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये पहला फार्मूला आपको मिला। ओके, अब पहले प्रॉब्लम को पहले फार्मूला को पहले टीचर को लोग कभी भूलते नहीं। ओके, तो आप इसको भी नहीं भूलेंगे ना। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, ईएमएफ इंड्यूस का जो है एक्स्ट्रा नॉलेज देखो क्या है इसमें। ओके, आपको याद होगा मैंने क्या किया था इसमें, कि जो फाई आया हमारा वो फाई एम साइन ओमेगा टी आया, जिसको हम लोग फाई एंगल जीरो डिग्री लिखे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि फाई को हम लोग रेफरेंस लिए हैं। ओके, रेफरेंस जिसका एंगल जीरो डिग्री है। अब ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ हमारा वो क्या था, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल माइनस पाई बाई टू, एंगल माइनस पाई बाई टू यानी कि ये क्या होगा, लैग करेगा। ओके, जब लैगिंग से कंक्लूजन आ रहा है, वो कंक्लूजन क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ओके, वो फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री से लैग करेगा, चाहे वो आपका
प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चाहे आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, दैट डजंट मैटर। दोनों कंडीशन में साइन ओमेगा टी से पाई बाय टू, साइन ओमेगा टी से पाई बाय टू ये अराइव हो रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये ई1 और ये ई2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो आपका फ्लक्स से ऑलवेज 90 डिग्री लैग होगा। हाँ, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को कौन डिसाइड करेगा? तो सोचो ई2 बाई ई1, ई1 इक्वल टू n2 बाई n1, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जिसका नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उसका ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ई2 ज्यादा है ई1 से, यानी कि n2 जो है n1 से ज्यादा होगा। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख दिए, यानी कि n1 ज्यादा होगा n2 से, है ना। तो इससे आपको ये कंक्लूजन निकला कि आपका प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, दोनों क्या होगा? फ्लक्स से हमेशा लैग करेगा, वो भी कितना एंगल से? वो 90 डिग्री से। तो कहीं भी हम लोग फेयर डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिट पहला स्टेप है आपका, फाई इज टेकन एज रेफरेंस। ओके, फेयर डायग्राम में आपको निपुण बना दूंगा मैं, डोंट वरी। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है कम से कम 15-20 बार फेयर डायग्राम बनाएंगे। अभी ये इनिशिएट हो गया है ना, इनिशिएट हो गया, यानी कि अगर आप फाई को रेफरेंस लिए हैं तो फाई एंगल 0 डिग्री, हम लोग फाई को ले लिए रेफरेंस। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे ई1 इक्वल टू ई1 एंगल -π/2, तो -π/2 से लैग कर गया। ई2 भी एंगल -π/2, ये ई1 सेम मत समझना हमेशा, ऐसे लिखते हैं, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है ये, गॉट इट? ओके, ई2 इक्वल टू ई1, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है सपोज, क्योंकि अभी तक हम लोग रियल की ओर बढ़े नहीं है, रियल की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे, आपको एक एक जंक्शन जो है हमारा आइडियल का, ओके, उसको रियल की ओर कन्वर्ट करते हुए एक एक करके जो है हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, ओके, तब कहीं जाके हमारा जो है रियल ट्रांसफॉर्म मिलेगा, एक एक स्टेप करके हम आएंगे, डोंट वरी। तभी तक अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो मॉड ऑफ ई2 इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ वी2। मॉड ऑफ ई1 इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ वी1। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी तरह का जो है वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है, जब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है इन दैट केस जो है वोल्टेज क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस का? वो बराबर होगा। तो ये सब याद रखेंगे आप, इसका कंक्लूजन याद रखो, सिंपल सी बात है कि जो भी कंक्लूजन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? तो आरएमएस वैल्यू जो हम लोग का आया था वो क्या आया था भाई? वो 4.44 nf φm, है ना। अगर यहाँ 1 तो यहाँ 1, अगर 2 तो यहाँ 2। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो आरएमएस वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे, लीनियर फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, या अगर आपको कोई बोलता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एंगुलर भी, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf, यानी कि डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा, गॉट इट? उसके बाद जिस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है अगर उसका नंबर ऑफ टर्न्स उस पर डिपेंड कर रहा है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसका क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी बढ़ेगा। ओके, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बढ़ेगा। तीसरा मैक्सिमम फ्लक्स, है ना, मैक्सिमम फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बढ़ेगा। देन सोचो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या होता है?
बी इंटू ए, तो फाइव एम इक्वल टू क्या, मैक्सिमम फ्लक्स इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू ए। ओके, इसको हम लोग इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ई इक्वल टू 4.44 एन एफ फाइव एम के जगह पे बी एम ए। यानी कि अगर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे भी ये डिपेंड कर रहा है, अगर वो भी बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा। साथ साथ ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक कोर है, ये जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, दिस वन, ये ओके, ये इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक कोर। तो मैग्नेटिक कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो भी इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। गॉट इट?